नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं सभी के द्वारा, सभी अध्यापकों के द्वारा। उसी कड़ी में अर्थव्यवस्था का दूसरे सेगमेंट के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं, क्या प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए, चाहे आर ओ ए आर ओ हो, चाहे हमारे एग्जाम यू एस्टेट हो, चाहे यूपीएसआई हो, भविष्य में होने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्या क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन एसेट परफॉर्मेंस, यानी ये यही है गैर निष्पादीय परिसंपत्ति। क्या होता है, बैंक जमा जिनका निवेश नहीं किया जाता, पूंजी परिसंपत्तियां जो प्रयोग में नहीं है, ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती। देखो एनपीए क्या कहा जाता है, यानी गैर निष्पादी परिसंपत्ति होता क्या है, किसी को ऋण दिया जाए और वह ऋण की जो ब्याज है उसकी अदायगी ना कर सके और उस धन को वापस ना कर सके, जो ऐसी स्थिति, ऐसे धन को क्या कहते हैं, एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या होता है, ऋण जिस पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं हो पाती है। जैसे आपने सुना होगा विजय माल्या, जैसे आपने सुना होगा नीरव मोदी, बहुत सारे ऐसे लोग जो पैसा ले करके उसकी ऋण की अदायगी नहीं करते और मूल रकम भी वापस नहीं करते, उसी को कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। चल नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में प्रकार वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है, किसी व्यक्ति का निम्न आय यानी प्रति व्यक्ति आय में कमी, किसी का निरक्षर होना यानी पढ़ा लिखा ना होना, बैंक शाखाओं का अभाव यानी जहां पे जरूरत है वहां पे शाखाएं नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो क्या वित्तीय विकास पॉसिबल है या फिर आर्थिक विकास पॉसिबल है। दोनों ही तीनों ही परिस्थितियां में थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, उपयुक्त सभी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गलत कथन का चुनाव करें। मंदी की स्थिति में आरबीआई उदार मौद्रिक नीति का अनुसरण करता है, मुद्रा स्फीति की स्थिति में आरबीआई महंगी मौद्रिक नीति का अनुसरण करता है, रेपो दर में वृद्धि से ब्याज दर में कमी हो जाती है। आपके सामने सभी प्रश्न देखिए, ऑप्शंस, सीआरआर में वृद्धि से बाजार की तरलता में कमी होती है। देखिए इसमें से गलत कौन सा है, ध्यान से देखिए, मंदी की स्थिति में आरबीआई उदार मौद्रिक नीति को अपनाती है। देखो मंदी क्या होता है, लगातार वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत में कमी होना डिफ्लेशन यानी मुद्रा संकुचन कहलाता है, और मुद्रा संकुचन की बिगड़ी हुई स्थिति को कहते हैं मंदी, रिसेशन यानी डिफ्लेशन की बिगड़ी हुई स्थिति, अव्यवस्थित स्थिति रिसेशन कहलाती है। और रिसेशन में क्या होता है, आरबीआई उदार मौद्रिक नीति का, उदार मौद्रिक नीति का अर्थ क्या है कि आरबीआई सस्ते मौद्रिक दरों को अपनाती है ताकि बैंकों के पास धन हो सके, ताकि पैसा हो सके। इससे क्या करेंगे, बैंक आरबीआई से ऋण लेंगे और ऋण लेंगे तो अर्थव्यवस्था में पैसा होगा यानी बाजार में धन होगा तो सभी के पास धन होगा, और जब धन होगा तो लोग खरीदारी करेंगे, लोगों के पास पैसा होगा। ऐसी स्थिति में यानी मंदी की स्थिति में आरबीआई उदार मौद्रिक नीति का अनुसरण करता है, यह बात तो स्पष्ट है, सही है। मुद्रा स्फीति की स्थिति में आरबीआई महंगी मौद्रिक नीति का अनुसरण करता है, बिल्कुल यह अभी बात सही है। कैसे सही है, मुद्रा स्फीति की स्थिति में आरबीआई महंगी मौद्रिक नीति का अनुसरण करती है। देखिए कैसे मुद्रास्फीति मतलब होता है लगातार वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि होना, मुद्रास्फीति कहलाती है। अब मुद्रास्फीति की स्थिति में लोगों के पास क्या होता है कि धन ज्यादा हो जाता है यानी बाजार में अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता ज्यादा हो जाती है, उसको कम करना रहता है, तो उसको कम करने के लिए आरबीआई महंगी मौद्रिक नीति अपनाती है। महंगी मौद्रिक नीति क्यों, क्योंकि जब महंगी मौद्रिक नीति रहेगी तो बैंक कर्ज नहीं लेंगे आरबीआई से, और जब बैंक आरबीआई से कर्ज ऋण कम लेंगे तो ऐसी स्थिति में धन की कमी होगी, और जब धन की कमी होगी तो मुद्रास्फीति पर कंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए महंगी मौद्रिक नीति का अनुसरण कौन करता है, आरबीआई। बात तो यह भी सही है,
बात यह भी सही है। रेपो दर में वृद्धि से ब्याज दर में कमी होती है, रेपो दर के वृद्धि से ब्याज दर में कमी। देखिए रेपो दर एक ब्याज है, अल्पकालिक ऋण होता है, किसके लिए? बैंकों के लिए। अल्पकालिक ऋण जो बैंक से आरबीआई से वाणिज्यिक बैंक लेते हैं उसे रेपो दर कहते हैं, और रेपो दर में वृद्धि का मतलब ब्याज में वृद्धि, यानी यही बात, ये बात गलत है। इसका आंसर क्या होगा? सी। इसका आंसर होगा सी। सीआरआर में वृद्धि से बाजार में मौद्रिक तरलता में कमी होती है, हाँ होती है, यह भी बात सही है, यानी गलत यही है, आंसर इसका यही हो, गलत कथन चुनने को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएमओ की क्रिया के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। ओएमओ की क्रिया के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। मुद्रास्फीति की स्थिति में सरकारी प्रतिभूतियों को बाजार में बेचा जाता है। देखो मुद्रास्फीति जब होती है, बाजार में मुद्रास्फीति जब होती है तो सरकारी प्रतिभूतियों को बाजार में बेचा जाता है, बात यह भी सही है। मुद्रा संकुचन और मंदी की स्थिति में बाजार की सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है। ओएमओ यानी खुली बाजार की कार्यवाहियों के माध्यम से मुद्रा संकुचन यानी मंदी की स्थिति में सरकारी प्रतिभूतियों के आरबीआई के द्वारा खरीदा जाता है। ट्रेजरी बिल्स और सरकारी बॉन्ड प्रतिभूति के उदाहरण है। आंसर इसका क्या होगा? उपयुक्त सभी। गलत कथन का चुनाव करें। मुद्रास्फीति के प्रभाव के संबंध में गलत कथन का चुनाव करें। रुपए के मूल्य में वृद्धि होगी, कब? मुद्रास्फीति की स्थिति में रुपए के मूल्य में गिरावट आएगी। मुद्रास्फीति की स्थिति में विनिमय दर में गिरावट आएगी, भुगतान शेष प्रतिकूल हो जाएगा। आंसर देने की अपने से कोशिश करें सभी दोस्त, सभी लोग। चलिए देखिए, गलत कथन चुनाव करें। मुद्रास्फीति के प्रभाव के संबंध में, मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है, यानी मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है? देखो मुद्रास्फीति की स्थिति में रुपए के मूल्य में वृद्धि होगी, रुपए के मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। दोस्तों रुपए के मूल्य में वृद्धि नहीं होती, मुद्रास्फीति की स्थिति में रुपए के मूल्य में कमी होती है। देखिए रुपए का कीमत कम होता है, मूल्य मतलब यहां पर कीमत से अर्थ है, बात को समझिएगा कि रुपए के मूल्य में कमी का अर्थ क्या है। रुपए का मूल्य मतलब जैसे पुराने जमाने में जैसे हम लोग कहा करते थे, पिताजी कहा करते थे कि हम अपने जमाने में 100 रुपए में झोला भर के सब्जी लेके आते थे। आज के जमाने में वही झोला आज है, वही बैग आज है, 100 रुपए में हम लोग कितनी सब्जी लेके आ पाते हैं, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कह सकते हैं, क्या रुपया बदल गया, आरबीआई बदल गई, कोई सरकार इस पर कोई कार्य किए? नहीं, वास्तव में रुपए की वैल्यू कम हुई है पिछले समय की तुलना में, यानी रुपए के मूल्य में क्या होती है, कमी होती है। यहां पर यह गलत है। रुपए के मूल्य में गिरावट आएगी, हाँ रुपए के मूल्य में गिरावट आएगी, ये सही है। विनिमय दर में गिरावट आएगी, निश्चित रूप से आएगी। भुगतान शेष प्रतिकूल होगा, निश्चित रूप से होगा। एक निश्चित है तभी उसके अगर जैसे मुद्रास्फीति की दर +-4 +-2 के हिसाब से अगर ज्यादा हो जाता है तभी की स्थितियां में सभी ठीक है, उससे ज्यादा होती है तब स्थितियां विपरीत होती है। एक यहां पर गलत है, गलत कथन क्या है, रुपए के मूल्य में वृद्धि नहीं होती, रुपए के मूल्य में कमी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र का अंग नहीं है। देखिए मत्स्य पालन कृषि क्षेत्र का है, वन संपदा कृषि क्षेत्र का है, चावल का उत्पादन कृषि से संबंधित है, किसमें है आपका, कृषि से, यानी प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र होते हैं जो क्षेत्रक के अनुसार अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के अंतर्गत बताए जाते हैं। बैंकिंग व्यवस्था क्या है, बैंकिंग व्यवस्था है दोस्तों, बैंकिंग व्यवस्था सर्विस सेक्टर की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मंदी का आशय है उत्पादन में गिरावट, बेरोजगारी में वृद्धि, रोजगार में गिरावट, उपयुक्त सभी का सभी होगा। मंदी का आशय सभी होता है, मंदी का आशय सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कथन गलत है, चुने। फिलिप्स वक्र का संबंध है। फिलिप्स वक्र, पहले तो आप ये जान ली ऑप्शंस आप पढ़िए। मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच में संबंध बताता है। मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी तो रोजगार में वृद्धि होगी, मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी तो बेरोजगार की दर में कमी होगी, मुद्रास्फीति की दर घटेगी तो बेरोजगारी की दर भी घटेगी। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है फिलिप्स वक्र के संबंध में। देखिए, यहां पर गलत कथन की बात की गई है। गलत कथन की बात, मुद्रास्फीति के संबंध और बेरोजगारी का, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का एक दूसरे से संबंध है, बतलाता है कौन, फिलिप्स वक्र। दूसरी स्थिति, मुद्रास्फीति दर बढ़ेगी तो रोजगार में वृद्धि होगा, ऐसा अल्पकाल में फिलिप्स वक्र बताते हैं। मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी तो बेरोजगारी की दर में कमी होगी, यही तीनों बात एक ही कहा जा रहा है। तीनों बात एक संबंध बताता है, एक बताता है कि मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी तो रोजगार में वृद्धि होगा, तीसरा बता रहा है मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी तो बेरोजगारी में कमी होगी, यानी तीनों स्थितियां सही है। इसका आंसर ये होगा कि मुद्रास्फीति की दर घटेगी तो बेरोजगारी की दर भी घटेगी। विपरीत संबंध होता है फिलिप्स वक्र का, किसमें, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का। आंसर इसका डी होगा, फिलिप्स वक्र का संबंध है। देखो, वही क्वेश्चन है यहां पर भी, फिलिप्स वक्र का संबंध है किससे, मुद्रास्फीति की दर से, बेरोजगारी की दर से, गरीबी से। मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी तो बेरोजगारी के बीच प्रतिलोम संबंध, मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी, ऐसा बतलाता है कौन, फिलिप्स वक्र। चलो, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र भारत में कहां स्थापित किया गया है, बताएं सभी। गांधीनगर में दोस्तों, कहां पर, गांधीनगर। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि से क्या होता है। देखिए, सरकार के ऋण में कमी आती है, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है, देश में अधिक विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश आता है, या फिर वांछित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ता है। देखिए, यह क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वाले में भी किया था, इसको फिर से देख लीजिए। अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी होगी जब सीआरआर में वृद्धि होगा, कैसे, फिर से देख लीजिए, कैसे, देखिए, एक शब्द होता है एनडीटीएल, क्या दोस्तों, एनडीटीएल, जिसका नाम है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। क्या, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। यानी शुद्ध मांग समय देयता, क्या दोस्तों, शुद्ध मांग समय देयता, ये होता क्या है, इसको उदाहरण में थोड़ा सा समझिए। जैसे मान लो किसी बैंक में 100 करोड़ रुपया जमा हुआ, और 20 करोड़ निकाल लिया गया, बचा कितना, निकासी हुई 20 करोड़ की, 100 करोड़ की जमा हुई और टोटल अभी क्या बचा, 80 करोड़, यही कहलाता है एनडीटीएल। अब आरबीआई क्या कहता है, आरबीआई कहता है कि आप अपने एनडीटीएल का, कोई भी बैंक जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, आप अपने एनडीटीएल का हमारे पास कैश के रूप में, यानी नगद के रूप में धन रखेंगे। अब नगद के रूप में मान लो 4% पहले है, मान लो किसी बैंक के ऊपर 4% पहले से ब्याज दर तय किया गया है, और 4% इसका कितना होगा, मान लो 3.2, यानी 3 करोड़ 20 लाख, 3 करोड़ 20 लाख आरबीआई के पास रखना है। अगर मान लो इसको 4 से 6% कर दिया गया तो अब बताओ कितना रखना पड़ेगा, 4 करोड़ 20 लाख। बैंकों के पास कहीं ना कहीं पैसा कम हुआ, कहीं ना कहीं उनके एनडीटीएल से धन ज्यादा किसके पास जा रहा है, आरबीआई के पास, बैंकों के पास धन कम हुआ, यही कहलाता है सीआरआर।
देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से क्या होता है, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आ जाती है, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर का आशय है, बैंक दर का आशय है साहूकारों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थान की लाभ दर, केंद्रीय बैंक द्वारा लिया जाने वाला आधिकारिक ब्याज दर। देखो क्या होता है, इस बात को समझते हैं, बैंक दर क्या होता है। जैसे ये आरबीआई है और ये बैंक है, ये आरबीआई है और ये बैंक है। जब बैंक, कौन बैंक, जब बैंक अल्पकाल के लिए, अल्पकाल के लिए क्या ऋण उपलब्ध करवाते हैं बैंकों को, वह कहलाता है रेपो रेट। यानी जब बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, जब बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, तो जिस दर पर आरबीआई इनको ब्याज उपलब्ध करवा, धन उपलब्ध करवाती है, जिस ब्याज दर पर इनको धन उपलब्ध करवाती है, कहलाता है रेपो रेट। लेकिन कंडीशन क्या है, यहां पर एक शब्द जुड़ा है अल्पकाल। लेकिन जब यही चीज दीर्घकाल के लिए हो जाए, जब यह अल्पकाल है तो इसका नाम है रेपो रेट, लेकिन जब यह दीर्घकाल हो जाता है तो इसको इसका नाम हो जाता है बीआर, यानी बैंक रेट। यानी जब बैंकों को लंबे अवधि के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, दीर्घ अवधि की ऋण की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति में जो धन उपलब्ध करवाया जाता है किसको, बैंकों को, वह कहलाता है बैंक दर। अब यहां पर ध्यान से देख लो, बैंक दर का आशय क्या होगा, अब आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि क्या होता है। यानी केंद्रीय बैंक द्वारा लिया जाने वाला आधिकारिक क्या, आधिकारिक ऋण, इसका आंसर होगा डी। भारतीय, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई के द्वारा। ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, एक प्रकार के कागज पर लिखे हुए, कुछ कीमत होता है उनका, कागज पर लिखा हुआ कुछ मूल्य होता है। ट्रेजरी बिल अगर एक साल से अधिक हो जाते हैं तो बॉन्ड कहलाते हैं, यानी अल्पकाल की अवधि के लिए जो कागज पर मूल्य होता है किसी चीज का, उसे ट्रेजरी कहा जाता है, और जब वो दीर्घकाल यानी 365 दिन से अधिक हो जाता है तो उसे बॉन्ड कहा जाता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। मौद्रिक नीति का मूल्य स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व, आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण, विदेशी विनिमय दर स्थिरता। बहुत आराम से सोच के समझ के इसका आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका उद्देश्य नहीं है, इसका उद्देश्य नहीं है किसका, मौद्रिक नीति का, मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है किसमें, मूल्य स्थिरता इसका उद्देश्य होता है, यह सही है। आर्थिक स्थायित्व यह भी सही है। आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण यह मौद्रिक नीति के अंतर्गत नहीं आता, यह सरकार के द्वारा किया जाने वाला कार्य है, और मौद्रिक नीति कौन करता है, आरबीआई तय करता है। ठीक है, एक रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है, ये इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देंगे, इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने का फलस्वरूप है, बैंक दर यानी बी आर में कमी करने से क्या होगा। यानी एक बात तो आपके समझ में आ जाएगी कि बैंक दर में कमी करने का मतलब आरबीआई उदार मौद्रिक नीति को अपना रही है। क्या दोस्तों, आरबीआई उदार मौद्रिक नीति को अपना रही है, बाजार में तरलता बढ़ेगी। अब जब आरबीआई मौद्रिक तरलता उदार मौद्रिक नीति अपनाएगी तो क्यों अपनाएगी, इसका अर्थ है कि बाजार में मंदी की स्थिति है या फिर डिफ्लेशन की स्थिति है। उदार मौद्रिक नीति कब अपनाई जाती है, जब बाजार में रिसेशन या फिर डिफ्लेशन, मुद्रा संकुचन की स्थिति होती है, उस स्थिति में।
बाजार की तरलता बढ़ जाएगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि बैंक दर कम हो जाएगा तो बैंक ऋण ज्यादा लेंगे, किससे? किससे? आरबीआई से। बाजार की तरलता घट जाएगी, ये नहीं होगा। बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह भी नहीं होगा। वाणिज्यिक बैंक अधिक जमा पूंजी संग्रहित कर लेंगे, यह भी नहीं होगा। देखिए यहां पर आंसर क्या होगा इसका, बाजार में मौद्रिक तरलता में देखिए बाजार में मौद्रिक तरलता क्या होगी, बढ़ जाएगी। बाजार में मौद्रिक तरलता बढ़ जाएगी, इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले बाजार की कार्यवाहियां, खुले बाजार की कार्यवाहियां, खुले बाजार की कार्यवाहियां समाहित होती है, यानी ओएमओ, ओएमओ समाहित होती है किसमें? शाख नियंत्रण की गुणात्मक विधियों में। नहीं, यह क्वांटिटेटिव मेथड के अंतर्गत आता है। कौन? ओएमओ, शाख नियंत्रण के परिमाणात्मक, परिमाणात्मक पर यहां पर परिमाणात्मक विधियों में आता है। राजकोषीय नीति के नियंत्रण में श्रम नीति, यह किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? यह आता है बी, इसका आंसर क्या होगा? शाख नियंत्रण, शाख नियंत्रण के परिमाणात्मक विधियों में, ठीक है, खुले बाजार के कार्यवाहियों के। देखिए शाख नियंत्रण के परिमाणात्मक विधि के अंतर्गत जैसे आपने सुना होगा सीआरआर, आरआर, ट्रिपल आर, ओएमओ, जो ये यहां पर लिखा है, एमएसएफ, एसएलआर आदि सभी चीजें किसके अंतर्गत आते हैं? परिमाणात्मक विधि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक शाख नियंत्रण की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? रचनात्मक शाख नियंत्रण की विधि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ध्यान से देखना, कौन सा नहीं है? बैंक दर, परिवर्तनशील कोष यानी चर आरक्षित अनुपात, खुली बाजार की कार्यवाहियां, शाख राशनी, कौन नहीं है बताएं? रचनात्मक शाख नियंत्रण की विधि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है बताएं? देखिए बैंक दर आपको पता है किसके अंतर्गत आता है? परिमाणात्मक विधि है, यानी क्वांटिटेटिव मेथड के अंतर्गत आता है रचनात्मक विधि। परिवर्तनशील कोष, चर आरक्षित अनुपात, यानी जो आरआर और ट्रिपल आर है उनकी बात की जा रही है यहां पर, आरआर और ट्रिपल आर की बात की जा रही है दोनों को एक साथ। खुली बाजार की कार्यवाहियां, यह भी किसके अंतर्गत है? खुली बाजार की कार्यवाहियां भी, ओएमओ भी किसके अंतर्गत है दोस्तों? मौद्रिक नीति के परिमाणात्मक विधि में। यानी कौन सा होगा? शाख की राशनिंग, शाख की राशनिंग क्या होता है? देखो शाख की राशनिंग थोड़ा सा समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो मान लो ये कोई बैंक है, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है और ये कोई बैंक है। शाख की राशनिंग समझा रहे हैं, शाख की राशनिंग क्या होती है? जैसे कोई व्यक्ति है और देखो इस व्यक्ति ने यहां मान लो 10,000 रुपया जमा किया, किसी ए नाम के व्यक्ति ने, किसी ए नाम के व्यक्ति ने 10,000 रुपया बैंक में जमा किया, और ये व्यक्ति जब भी बैंक जाता है, जब भी जाता है तो 1,000 रुपया यहां पर निकाल लेता है। कहां से? बैंक से। जब भी यह व्यक्ति बैंक जाता है, 10,000 जो जमा किया है उसमें से 1,000 रुपया निकाल लेता है। बैंकों का कार्य क्या होता है? पैसे से पैसा बनाना। बैंकों का कार्य क्या होता है? पैसे से पैसा बनाना। अब बैंक क्या करेंगे? अब जैसे इनको, अगर बैंक को पता चल गया, बैंक को पता चल गया कि यह व्यक्ति जब आएगा तो 1,000 रुपया ही निकालेगा, तो मान लो ये आया और इसने 1,000 रुपया निकाला, बचा 9,000, एक बार जमा किया फिर अगले महीने आया 1,000 रुपया निकाला, बचा 9,000। बैंक क्या करेगी कि इसका 8,000 रुपया
दूसरे को दे देगी 1000 रुपया सेव करके कि जब भी ये आएगा तो 1000 निकाल के लेके जाएगा। और इस 8000 पे क्या करेगा, ये किसी बी नाम के व्यक्ति से या फिर किसी बी नाम के क्लाइंट से उस पर ब्याज कमाएगा। कौन? बैंक। बैंक का काम होता है पैसे से पैसा बनाना। अब बैंक का काम क्या है? पैसे से पैसा बनाना। इस बात को थोड़ा सा समझिए कि कहा यह जा रहा है कि बैंक बैंक क्या कर रहा है, बैंक अब 8000 रुपया इसका किसी दूसरे को दे दिया। क्यों? क्योंकि बैंक के दिमाग में ये आ गया कि ये जो ए नाम का व्यक्ति है जब भी आता है तो वह 1000 रुपया निकालता है। बैंक ये अपनी अपने दिमाग से अपने स्वेच्छा से इस बात को समझता है, इसको लिए वह उस पर बाकायदा एनालिसिस करता है, किसी कस्टमर पर वह एनालिसिस करता है। और इसी पूरी प्रक्रिया का कहा जाता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन क्या कहा जाता है? क्रेडिट क्रिएशन यानी साख बनाने का काम कौन करता है? साख बनाने का काम करता है बैंक। और इस पूरी प्रक्रिया पर अंतिम रूप से जो नियंत्रण होता है उसे उसे कहा जाता है साख की राशनिंग या फिर क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल क्या दोस्तों? क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई करता है। क्रेडिट क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है? साख बनाता कौन है? बैंक बनाता है। उस साख पर अंतिम रूप से नियंत्रण आरबीआई करता है। चलिए क्वेश्चन यहां पर क्या है? साख की राशि। इसका आंसर क्या होगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चयनात्मक उधार नियंत्रण का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चयनात्मक उधार नियंत्रण का साधन नहीं है? देखिए, उपभोक्ता उधार का नियमन रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स क्रेडिट, उधार राशि नियमन नियमन राशनिंग ऑफ क्रेडिट, अंतरण अपेक्षाएं यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्लियर है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चयनात्मक चयनात्मक उधार नियंत्रण का साधन नहीं है? देखिए, कौन सा नहीं है? परिवर्ती लागत आरक्षण अनुपात। क्या दोस्तों? वेरिएबल कॉस्ट रिवर्स रेशियो। इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आरबीआई देश की केंद्रीय बैंक है, सही है। आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकार का बैंकर है, सही है। आरबीआई देश की विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है। आरबीआई आरबीआई देश का विनिमय विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है, यह भी सही है। आरबीआई स्थापना 1949 में नहीं, इसकी स्थापना 1934 आरबीआई एक्ट के तहत 1935 में हुई थी। 1949 में इसका क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका आंसर यही होगा, यानी इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर डी होगा। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई का पहले शुरुआत में जब स्थापना हुआ था कहां हुआ था? कोलकाता में। वर्तमान स्थिति में मुंबई इसका मुख्यालय है। ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि के लिए उधार देना देता है कहलाता है। अल्पकाल के लिए जब ऋण दिया जाता है तो क्या कहलाता है? रेपो दर। ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि के लिए उधार देता है या ऋण देता है क्या कहलाता है? रिपो रेट। निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? साख नियंत्रण का काम जो हमने अभी डिस्कस किया किसका है? क्रेडिट कंट्रोल। किसका काम है? आरबीआई का। क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का शिखर संस्था के रूप में कार्य, मौद्रिक नीति का निर्माण या फिर साख सृजन। साख सृजन का कार्य कौन करता है? क्रेडिट क्रिएशन का कार्य कौन करता है? क्रेडिट क्रिएशन का कार्य खुद बैंक करते हैं। यानी क्रेडिट क्रिएशन जैसे मैंने यहां पर डिस्कस किया, जैसे फिर से देख लीजिए, जैसे ये बैंक है,
हमने बताया कि ये कोई व्यक्ति है, ये 10,000 रुपया यहाँ जमा करता है, 10,000 जमा करता है और इसके धन को यह जब आता है तो 9,000, जैसे जब भी आता है यह व्यक्ति जब भी आता है तो 1,000 रुपया हर बार निकाल लेता है। क्या करता है? 1,000 रुपया निकाल लेता है। बैंक अगली बार से इस बात को ध्यान देगा और 1,000 रुपया इसके लिए सेव कर लेगा और यहां पर किसी दूसरे व्यक्ति को, क्या कर देगा, यह धन अपना दे देगा। कितना दे देगा? 8,000 देगा, क्योंकि बैंकों का काम है पैसे से पैसा बनाना, किसी के पैसे से पैसा बनाना। अब क्या हो गया, देखो यह एक पूरी प्रक्रिया हो गई, इसी को कहा गया क्रेडिट, क्रिएशन, साख बनाना। क्रेडिट क्रिएशन किसने किया? बैंक ने किया। इस पूरी प्रक्रिया पर कंट्रोल कहलाता है क्रेडिट कंट्रोल, क्या कहलाता है? क्रेडिट कंट्रोल। और क्रेडिट कंट्रोल कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साख नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई के द्वारा, और साख सृजन किसके द्वारा? साख सृजन बैंक के द्वारा होता है। यानी कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है पूछा गया, तो साख सृजन किसका कार्य है? बैंकों का कार्य है। क्लियर है? निम्नलिखित उपायों में से किसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी? केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, किया जाएगा तो क्या होगा? जो बॉन्ड होंगे अगर आपसे खरीद लिया जाए तो क्या होगा? यहां पर पूछा जा रहा है कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी, कमी होगी। अब अपने से सोचते रहिए। लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों की जमा की गई करेंसी सरकार द्वारा, केंद्रीय बैंक द्वारा, सरकार के द्वारा केंद्रीय बैंक द्वारा लिया गया ऋण, केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों की सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, निम्नलिखित कूटों पर सही उत्तर देंगे। केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्या क्रय? यहां पर यह थोड़ा सा अलग है, बताएं। देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूति क्रय किया जाएगा तो क्या होगा? जब प्रतिभूतियां खरीदी जाएंगी हमको, हमसे, जैसे मान लो 20 लाख का बॉन्ड मेरे पास है और मेरा, मैं बॉन्ड अपना बैंक को दे दूं, तो ऐसी स्थिति में मेरे पास धन आएगा निश्चित रूप से। तो धन आया तो यह भी एक स्थिति हुई। और तीसरी, सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, और वह ऋण किसके प्रयोग में लाया जाता? हमारे आपके, तो इसमें मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि होगी। यानी एक और तीन, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से देखिए, यह सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है, यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है, यह बैंकों का बैंक है, यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है। बताएं, यह सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है? नहीं दोस्तों, यह सभी प्रकार के नोटों को जारी नहीं करता। किस प्रकार का नोट नहीं जारी करता? एक रुपए का नोट कौन जारी? वित्त सचिव के द्वारा, ठीक है, वित्त सचिव का उस पर सिग्नेचर होता है। ध्यान से देख लो, यानी सभी प्रकार की नोट जब लिख दिया जाए तो वहां पर बड़े गौर से क्वेश्चन को पढ़ना है। यह 10,000 रुपए तक के नोट को छापता है, लेकिन उसमें से एक नोट वह नहीं छापता। आपको पता है क्वेश्चन उसमें आज के ही सेगमेंट में है जो आपको कमेंट करना है। चलिए, निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुति दी गई? बताएं, वित्तीय समावेशन पर किसने अपनी संस्तुति दी? बताएं, वित्तीय समावेशन पर रंगराजन समिति ने अपनी संस्तुति दी है। चलिए, एक्चुअरीज शब्द संबंधित है किससे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअरीज शब्द किससे संबंधित है दोस्तों? यह बीमा से संबंधित है, देखिए,
निम्नलिखित कालानुक्रम आधार पर विन्यास करें। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1955 में, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। अब इसमें से मैच करो कि कौन सा होगा। देखो, इसमें से मैच करो कौन सा होगा इसका आंसर। सबसे पहले इसमें कौन दिख रहा है? 1949। तो सबसे पहले 1949 ऑप्शन तीन से चालू करो। ऑप्शन तीन कुछ, ये दो एलिमिनेट हो जाएंगे, ये दो एलिमिनेट हो जाएंगे, दो और चार एलिमिनेट होंगे। 1949 है, फिर 1955 है एसबीआई का राष्ट्रीयकरण, यानी तीन के बाद से क्या होना चाहिए? दो, यानी यह भी एलिमिनेट। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, चलो, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसल टू निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? बेसल टू निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? यह किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के मापन अंतरराष्ट्रीय मानकों से है। किससे? किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करें। यह शीर्ष बैंक है, यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है, यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। कौन सा कथन इसमें अध्ययन कीजिए और क्या इसमें सही क्या गलत है, इसकी बात यहां पर की गई है। देखिए, यहां पर यह व्यापारी घरानों से इसका कोई संबंध नहीं होता, यानी यह काट दीजिए, बाकी सभी है। एक दो और चार, एक दो और चार। आज के लिए इतना ही दोस्तों, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, बहुत बच के रहिए, कोशिश करिए घर से ना निकलने की जरूरत पड़े। मुझे पता है स्थितियां बहुत विपरीत हैं, हर चीज की निहायत जरूरत है, फिर भी कोशिश करिए जितने कम कांटेक्ट में किसी के आएंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। संस्थान के द्वारा कोशिश यही किया जा रहा है कि आपको अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें मिलती रहें ताकि आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो बना रहे अपनी पढ़ाई को लेकर। देखिए, कैसी भी स्थिति है, कैसी भी परिस्थिति है, यह चला जाएगा, यह टल जाएगा। हर समय, समय की सबसे बड़ी खासियत होती है वह गुजर जाती है। चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, लव यू ऑल।